ये है द लास्ट ऑफ अस वेब सीरीज की एपिसोड नंबर 4। अगर आप डायरेक्ट इस एपिसोड को देख रहे हैं, इस एपिसोड तो आपको इससे पहले जाकर इसके बाकी के एपिसोड की कहानी देखनी, ताकि आपको एपिसोड नंबर 4 की स्टोरी अच्छे से समझ में आ पाए। इसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में द लास्ट ऑफ अस की प्लेलिस्ट देख सकते। तो एपिसोड नंबर 4 शुरू होता है, जहां पर अब जोल और एली बिल की कार से टॉमी के पास निकल चुके उसे ढूंढने के लिए, मगर रास्ते में प्रॉब्लम ये होती। अब इस दुनिया में कहीं पर भी पेट्रोल स्टेशन तो है नहीं, तो उन लोगों को कार को फिल करने के लिए बार बार रुक कर आसपास पड़ी खराब कारों को चेक करना होता है, और उनमें से बचा हुआ पेट्रोल निकाल कर अपनी कार में डालकर फिर अपने सफर तय करना होता। अब सफर लंबा होने के बाद ये दोनों कार में काफी सारी बातें करते हैं, जिस कारण से इन दोनों का रिलेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो और ये दोनों एक और ज्यादा कनेक्टेड। मगर साथ में एली जो 14 साल की लड़की, वो अपनी एज के हिसाब से काफी ज्यादा स्मार्ट और तेज लड़की, जो गहरी से गहरी बातों को भी किस तरह से मजाक में करना है ये जान। अब रात बिताने के लिए वो लोग अपनी कार को एक जंगल में रोक दे, क्योंकि रोड पर सोना काफी खतरनाक है और सबसे सेफ जगह इस टाइम ये जंगल ही है, और इस जंगल में वो लोग इन्फेक्टेड और रेडर दोनों से ही सेफ रहे। अब खाते समय जोल एली को बताता है कि इस जगह पर उन लोगों को इन्फेक्टेड लोगों से ज्यादा खतरा रेडर से है, जो लोगों को छीना झपटी कर उन्हें मार देते। अब सोने से पहले एली एक अपने साथ रखी जोक वाली बुक जोल को एक जोक सुना, जिसे सुनकर जोल हंसने लग जाता है, और हम लोग इस वेब सीरीज पहली बार जोल को हंसते हुए देख, और वो लोग हंसते हंसते सो जाते हैं, और लकीली उनकी ये पूरी रात सेफली गुजर जाती है, और वो दोबारा से कार में अपने सफर पर मतलब जोल के भाई टॉमी को ढूंढने निकल जाता। अब इसी कार से जोल है अपने भाई टॉमी की स्टोरी बताता है, किस तरह से पहले वो उनके साथ ही रहता था, मगर बाद में मैलरी के उसने उसके कहने पर फायरफ्लाइज को ज्वाइन कर लिया, और वो इस कैंप से निकलकर दूसरे कैंप में गया, मगर बाद में पता चला उसने अब फायरफ्लाइज को भी छोड़ दिया, और अब 3 हफ्तों से उसके भाई का कोई मैसेज नहीं। उसके पास फैमिली के नाम पर बस एक भाई, और वो किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता, और वो उसे ढूंढ कर ही रहे। और साथ में जोल एली को ये भी बताता है वो उसको केवल एक पार्सल समझे, जिसे उसे सही सलामत उसकी सही डेस्टिनेशन तक यानी रिसर्च लैब तक पहुंचाना, उससे ज्यादा वो उसे कुछ नहीं समझ। अब पहुंचते पहुंचते वो लोग एक टनल तक पहुंचे, जिसका रास्ता काफी सारी खराब पड़ी कारों से, और यही रास्ता उनको शहर तक ले जाता, तो वो लोग उस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता लेते हैं जो शहर के अंदर से होता हुआ निकल। मगर जैसे ही वो लोग उस दूसरे कैंप मेन एंट्रेंस गेट तक पहुंचते हैं, तो वो देखकर दंग रह जाते कि गेट पर कोई भी फेडरा का सोल्जर नहीं, और देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कैंप एकदम खाली पड़ा है। मगर इसी के तुरंत बाद उनकी कार के आगे एक आदमी आ जाता है जो काफी ज्यादा जख्मी होता है, मगर जोल उस आदमी को देखकर समझ जाता है कि ये एक तरह की चाल है, क्योंकि वो भी पहले इस तरह के काम कर चुका है और उन्हें पता है कि ये एक चाल है। जिसके बाद जोल तुरंत कार को वहां से भगा, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता, उनकी कार पर अटैक कर दिया, जिस कारण से उनकी कार जाकर एक खाली अपार्टमेंट में भिड़ जाती, मगर वो दोनों सेफ होते। और अब उन लोगों पर काफी सारी गोलियां चलाई जा, और ये जो गोलियां इन पर चलाई जा रही है ये और नहीं, ये रेडर्स का ग्रुप है जो लोगों से छीना झपटे का काम कर। मगर जोल किसी तरह से एली को वहीं मौजूद एक सेफ रूम तक जाने के लिए, जिसके बाद एली रूम में चली जाती। दूसरी तरफ बाहर जोल अपने अच्छे निशाने से उन सभी रेडर्स को एक एक करके जान से मार देता, मगर उन्हीं में से एक रेडर जोल को घायल करके उसका गला घोटना शुरू कर देता, और वो काफी मुश्किल में आ जाता। अब ये देखकर एली दोबारा से सेफ रूम से बाहर आ जाता, और वो अपनी बैग से वही गन निकालती है जो उसने उस समय अपने बैग में छुपा ली, और वो तुरंत ही उस आदमी की पीठ पर गोली मार देती, जिस कारण से जोल की जान बच जाती। लेकिन ये कर एली कुछ देर के लिए सदमे की माइंड स्टेट में, क्योंकि कुछ भी बोलो अभी एली 14 साल की एक छोटी। अब कुछ ही सेकंडों बाद वहां पर रेडर्स के काफी सारे लोग आ जाते, जिनसे बचने के लिए जोल और एली वहीं पास मौजूद एक बिल्डिंग में घुस। अब ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो और हमें नेक्स्ट सीन में, जहां पर हम लोग इन सभी रेडर्स के एक कैंप को देखते हैं, जिस कैंप को इन लोगों ने फेडरा से मुकाबला कर उनसे छीना और यहां पर कब्जा किया, और इस औरत का नाम कैथलीन है जो इन सभी रेडर्स की लीडर है, और इस समय ये एक आदमी पूछताछ कर रही है। असल में कहानी ये है कि कैथलीन का एक भाई जो इससे पहले रेडर्स का ही लीडर था, उसे फेडरा ने मार दिया, और कैथलीन को ये शक है कि उसके भाई की खबर फेडरा वालों को उन्हीं के एक आदमी जिसका नाम हेनरी है उसने दी थी, और इस समय वो हेनरी गायब है, और कैथलीन अपने भाई की जान का बदला लेने हेनरी को किसी भी कीमत पर ढूंढ कर उसे जान से मारना चाहती है। और कैथलीन को लगता है कि ये आदमी जिसे उन्हें बंदी बना रखा है, इसको पता है कि हेनरी इस समय कहाँ है। लेकिन इसी के बाद कैथलीन को बाहर बुलाया जाता है, और वो देखती है कि उसके कुछ आदमी किसी ने जान से मार दिया, और ये सभी वही रेडर्स हैं जिन्हें जोल ने अभी अभी जान से। मगर कैथलीन को ये लगता है कि इन सबको मरवाने वाला भी हेनरी, तो वो और ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और वो तुरंत अंदर जाकर उस आदमी को गोली मार देती, जिस पर उसे शक होता है कि इस आदमी को पता है कि हेनरी कहाँ। और इसके बाद वो अपने सभी आदमी बाहर जाकर हेनरी को ढूंढकर जान से मारने का ऑर्डर देती, जिसके बाद उसके सभी बाहर निकल जाते हैं। हेनरी को भी जोल और एली उन सभी रेडर्स से बचने उसी बिल्डिंग में छिपे रहते हैं, क्योंकि इनके वो आदमी उन
लोगों की हलचल और ज्यादा बढ़ गई। अब यहाँ पर जोएल एली को उसके पास रखी वो छोटी जिससे उसने उसकी जान बची, वो गन उसे अच्छी तरह से चलाना सिखा, जिसमें वो उस गन पर अच्छी पकड़ बनाए रखना सिखा, और वो दोबारा से उस गन को उसके बैग में रखने के लिए बोल, जिसके बाद एली गन को अपने बैग में दोबारा रख ले। अब इसी तरह से उस बिल्डिंग में छिपे छिपे रात हो और सोने का समय आ जाए, तो एली माहौल को ठीक करने के लिए दोबारा से सोने से पहले एक जोक सुनती है, जिसे सुन जोएल दोबारा से काफी अच्छी तरह से हंसता है और वो हंसते हंसते सो जाता। मगर कुछ ही समय बाद जोएल की नींद एली की आवाज सुनकर, और जब वो आंखें खोल के देखता है तो एली और उस पर एक आदमी और एक बच्चे ने गन तान रखी, और असलियत में ये आदमी और कोई नहीं वो हेनरी ही है, जिसको इस समय फायरफ्लाई पागलों की तरह मारने के लिए ढूंढ। मगर ये एपिसोड नंबर 4 यहीं पर खत्म हो जाए। अगर आपको एपिसोड नंबर 4 अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।